मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली। यहाँ देखिए आपके दिन की शुरुआत, मैंने ग्रीन ग्रीन नीचे सब्ज और ऊपर नीला आसमान। और अभी का टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। 10 के साथ साथ वेदर बहुत ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हो। वेदर इसलिए मैं अच्छी बोल रही हूँ बिकॉज एकदम से क्लॉडी वाला है, ना धूप कुछ भी नहीं है, बस ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी देर पे चल रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पे मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ क्योंकि लाइट भी अभी कट गए हैं। ये वाला मेन डोर पे ये खोल के मेरे हस्बैंड अभी जस्ट गए हैं जुनैरा ज़ियान को लेके नीचे। यहाँ पे देखिए ठंडी हवा तो अभी नहीं चल रही बट ये से एकदम सूख गए। मैंने शाम में कल फ्राइडे थी ना, हाँ कल ही डाली थी, आज तो सैटरडे है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। डस्टिंग हमने कर लिया है, लाइट कटी हुई है भी नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं है, पापा के साथ बाहर जाके सन्नाटा घर एकदम लग रहा है। हस्बैंड फ़ोन छोड़ के गए 11:14 मीन्स मॉर्निंग का हो गया है। और ये चॉकलेट जो वो मुझे निकाल के ले रख के गए थे कि तुम खा लेना, रात में भी बोले थे खा लेना बट मैं नहीं खा पाई, सो गई थी। ये डायरी मिल्क का मतलब कैडबरी डायरी मिल्क हेज़लनट, इसका जो हेज़लनट वाला फ्लेवर है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यमी लगता है। तो वो आएंगे तभी मैं खाऊंगी, अभी ये मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ और बच्चे भी साथ में खाएंगे। और ये देखें हमारी मेहंदी, हमने थोड़ा सा सिर्फ ये बूंदा जो है वो लगाया था हमने बूटा, और ये बूटा नहीं लगाया था। तो ये जब आएंगे ना तभी मैं दिखाऊंगी उनको भी कि कैसा लग रहा है। मतलब रात में मुझे ओवरऑल सोने के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने बोला कि अच्छा उनको दिखाऊँगी मैं, नहीं मैं बना लेती हूँ थोड़ा, एक बूटा थोड़ा कम लग रहा है, मेहंदी बचे हुए और थे तो। सो मुझे बहुत भरे भरे हाथ अच्छे लगते हैं बट मुझे जितना हो पाया इतना अच्छा लगता है, मतलब कुछ ना से इतना इनफ है, इतना रहना चाहिए। और यहाँ पे उनका नाम बर्तन थे रखे हुए, उसे जब तक मैंने वॉश कर लिया, और सबसे मोस्ट फेवरेट मेरी चाय का बर्तन वो मैंने वॉश कर लिया। अब दूध बॉयल करूँगी, कॉफ़ी बनाती हूँ, हो गया। और हम अब कॉफ़ी बनाते हैं और किचन भी हमने नीट कर लिया। ये वाली कॉफ़ी मैं बनाऊँगी जो कि अभी मेरे हस्बैंड लेके आए, तो अभी हमारे घर में तो यही बन रहा है ना, तो बहुत ही इजी बन जाता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत ही। तो अपनी कॉफ़ी ले लिया, आ गया। और घर डस्टिंग एंड क्लीनिंग जो भी सुबह का होता है, मैट उठा के झाड़ू देना, डस्टिंग करना, पूछे मारना, बच्ची को देखना, ऑलमोस्ट सब कर दिया। जुनैरा को भी हमने फ्रेश करा दिया, तभी तो अपने पापा के साथ बाहर गई हैं। और यहाँ पर मैं अपना फेवरेट कप कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ, पीती हूँ, और फिर वो आते तो उनसे गप करूँ। टेस्टी लग रहा है पीने में, चाय भी अच्छे लगते थे बट कॉफ़ी भी अच्छे लग रहे हैं। आ गई पापा के साथ, शूज़ उतारो। अरे वाह, ये देखो माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड बाहर से जब भी घर आते हैं ना कुछ लेके आते हैं, और अभी देखो मतलब आ गए नाश्ता लेकर वो खुद से। क्यों सुबह सुबह इधर देखिए एक बार, सुबह सुबह इतना करने के लिए थैंक यू। बिस्मिल्लाह करके मैं रखती हूँ। देखो जुनैरा लाइए ये दही, पाव लाइए जुनैरा अपने लिए, लाइए पपाया लाइए अपने लिए, दही लाइए पापा के लिए, दूध अपने लिए लाइए, और यहाँ पे जलेबी भी गरम गरम लाइए। तरीके से निकल गया, हम लेके आते हैं ज़ियान की। पापा आप जलेबी खाइए गरम गरम, पहले आप खाइए ना। अरे खत्म कर देंगे, पूरा खाइए और है खाऊंगी। अच्छा जी, जैसे हमने पपाया कट कर लिया, यह रख दिया स्पून, और अब देती हूँ ताकि इसको समेटूंगी। आया लाइए, नोजी भी आ रहा है, लीजिए बाबू। थैंक यू, वेलकम। ज़ियान के पापा एक चीज देखिए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। ना 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 बोलिए कैसा लग रहा है। अच्छा है मेहंदी ना। हाँ बहुत अच्छा सच्ची में। ज़ियान लो, ज़ियान ले लो बेटा, पापा के साथ खाओ। जाओ बेटा, वही दही है ना, ये सूधा नहीं औसम का आया है, इसमें से ऐड करती हूँ। और ये चूड़ा मैंने अच्छे से धो के वॉश करके छान लिया है, और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी और गुड़ ऐड करूँगी। तरीके से रेडी हमने कर लिया, देखो ये खाते कि नहीं। हो गए, बुला पापा को। ज़ियान के पापा आइए ना, ज़ियान के पापा आइए, इससे भी टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके खाइए आप और बताइए ज्यादा होगा मुझे। हमको दे दीजिएगा ना थोड़ा सा। ज़ियान के पापा एकदम सच्ची बताइएगा, सच में मजाक रहना है भाई, मैं सही में ये वाला नाश्ता ज्यादा अच्छा रहता है ना, रोटी सब्जी से। चलिए अब खाइए।
अब हम खाते हैं ठीक। हाँ ये प्लेन दही इस तरीके से आया और ख़त्म भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और बहुत टाइम भी हो गया है। माय यूट्यूब के फैमिली कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सैयद ज़ीबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ और मैं सोच रही थी कि इस तरीके से आपसे बात करती हूँ, सलाम करती हूँ, तो मुझे अंदर से कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने आपसे कनेक्ट होकर यूँ बोल दिया। वैसे तो मैंने व्लॉग मॉर्निंग में ही स्टार्ट किया था अराउंड 9:30-10 बजे के आसपास। मैं जब आज उठी, फिर सोई, फिर उठी, इट मीन्स कि प्रॉपर बेड से 9:30-10 बजे उठी और अच्छा लगा, क्योंकि जब घर पर इंसान रहता है तो थोड़ा तो मतलब कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और अभी बच्चे को भी ठीक है, अभी इसके पापा गए जान को लेकर, जो नॉर्मल उनका क्लास रहते हैं तो वो गए हैं, फिर वो आ जाएंगे। तो अभी मैं इसलिए अबाया पहन के हूँ क्योंकि मैंने उनसे फोन से अभी रब्ता किया, क्योंकि अभी 1 बजने वाले तो थोड़ी देर में आएंगे ही, तो मैं थोड़ा मार्केट निकलूंगी क्योंकि मुझे ना बहुत सारे सर पे काम है, शॉपिंग का कुछ भी और कुछ प्रॉपर हो नहीं पाया। बस आजकल मीन्स हो रहा है कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी और टाइम भी जाता जा रहा। कल फ्राइडे था, कल भी बिजी हो गई थी, कल भी जाना था, फिर शाम में मड़वा सेरेमनी था, वो वाला व्लॉग भी एडिट किया, अभी अपलोड किया है, हो जाएंगे थोड़ी देर में अपलोड। उसके बाद 1 भी बज गए अभी तो, शाम में भी आज बारात है, फंक्शन, इनके फ्रेंड की शादी है, बहुत ही अच्छी इनको मतलब एक होता है ना कि एक दूसरे को दोनों को केयर करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो फ्रेंड है, शादी भी है, तो इतना प्यार से बुला रहे हैं तो जाने भी चाहिए, तो ये जाएंगे। मे भी मुझे भी बहुत ज़िद कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें भी जाना है जाना, मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, बट बोल रहे हैं तो मैं इनका बात रखूँगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने हल्का सा मेहंदी भी लगाया है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी व्लॉग के ज़रिए आपके साथ। अभी मैं मार्केट निकलूँगी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाजमी आपको लाइक करना है, शेयर करना है व्हाट्सअप के थ्रू अपने फ्रेंड में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें हमारा, फैमिली को बढ़ाएँ। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं मुझे याद रखें और व्लॉग कंटिन्यू रखें। आ गए ज्ञान के पापा, मैं बैठूंगी गाड़ी पे, चलो 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 चलो, रुकिए मैं भी बैठूंगी। मैं मार्केट के लिए पहुंच गई, यहाँ पे मुझे शॉपर को मैंने बोला सिंपल सी कुर्ती वगैरह दिखाएं आप, जो ट्राउज़र पैंट्स सेट रहते हैं, तो वो उन्होंने दिखा रहे थे और मुझे अच्छे भी लग रही थी कुछ कुछ, बट यही मैं सोच रही थी कि अभी मैं ये ले लूँ कि अन स्टिच कपड़े भी घर पर वो स्टिच करवा लूँ, टाइम भी नहीं है। तो उन्हीं के आसपास मतलब साड़ी वग के शॉप है, सूट के मतलब सब क्लोज रहते थे तो इजीली आप चले जाते हो, तो मुझे एक साड़ी भी चाहिए थे, वो मुझे किस लिए चाहिए वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो मैं बहुत सारी साड़ी भी देख रही थी। नेक्स्ट यहाँ क्रॉप टॉप वगैरह सूट वगैरह थे, तो वहाँ उस शॉप पे मैं गई, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे माशाल्लाह। तो इसमें से भी मुझे लग रहा था कि कोई लेने थे, मेरे हस्बैंड का प्रेशर बना हुआ था कि नहीं तुम एक दो ले लेना, तो वही मैं चेक कर रही थी कि कौन सा लूँ नहीं लूँ। फिर जिसका मतलब मुझे पैटर्न वगैरह अच्छे लग रहे थे वो कलर नहीं मिल रहे थे, और जिनके कलर अच्छे नहीं थे उनके पैटर्न अच्छे थे, तो यही सब हो जाते। फिर मैं नेक्स्ट जुनैरा के लिए गई, जुनैरा के भी मुझे लेने थे, बट फिर वही लग रहा था कि जुनैरा के कैश हस्बैंड के साथ लेके आती, फिर भी मैंने काफ़ी देखे सोबर सा, क्योंकि मुझे फ़्रॉक नहीं चाहिए थे, फ़्रॉक जुनैरा के ऑलरेडी बहुत है। नेक्स्ट हम श्रृंगार के शॉप पर गए, यहाँ पर मुझे कुछ लेने थे बिंदी वगैरह जो कपड़े में दिए जाते हैं शादी में, तो वो आगे आगे व्लॉग में मुझे पता चलेगा कि मैं शादी में जा रही हूँ, मैं किस लिए ले रही हूँ, मैंने क्या लिया, मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं बहुत जल्दी में थी, घर आई, आपने देखा है बहुत ज़्यादा आगे आगे आपके व्लॉग में पता चलेगा कि मैं सच्ची में सीरियसली बिज़ी थी। तो यहाँ पर मैं बिंदी वगैरह ले रही थी, घर में भी कॉल करके पूछ रही थी कि बच्चे ठीक हैं, घर में सब ओके, और चूड़ी हो गए, कंघी हो गए, जो बेसिक होते हैं कपड़े में दिए जाते, तो वो मैरून कलर के हमने साड़ी एक पिक किए थे, तो उसी के लिए मैरून चूड़ी हो गया सेट। नेक्स्ट यहाँ पे हमने नेल पेंट वगैरह ले रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर थे, मैंने अपने लिए भी लिया है और मैंने नेल पे भी लगा के रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था सच्ची में, और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। ऑनलाइन हम मंगाते हैं तो 100 के ऊपर रहते हैं नेल पेंट, और आपको शॉप पर 50 रुपीज़ में आराम से अच्छे अच्छे ले। हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स प्यारे प्यारे वो मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि पार्टी के लिए मुझे लेने ज़रूरी थे, क्योंकि मैंने ऐसे कलर के ड्रेस लिए थे, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने पूछ भी रही थी कि मैं कौन सा लूँ, कॉल करके इनको भी फोटो दे रही थी, तो इन्होंने बोला कि चुप ऑफ वाइट कलर का ले लो, तो मैंने यहाँ से एक पिक किया, यहाँ से मैंने ईयर रिंग्स पिक किया है, तो आगे आगे इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, बट हाँ मैंने कुछ कुछ शॉपिंग हो गया, अभी शॉपिंग भी हो गया, अलहमदिल्ला घर जाते हैं। प्यारी है, ठंडी है, अच्छी हवा चल रही है, शाम की 5:30 हो रही है, मैं घर आ गई हूँ, पूरा पिन कीजिए। ऑमलेट चल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, मैं घर आ गई, अलहमदी से कट कर लिया है इस तरीके से, मैंने पाव को कट किया, अभी फ्राई करूँगी, उसके बाद ये केचप लगाऊंगी और ये
डालकर मैं इसे रेडी करती हूँ। भूख लगा तो कुछ ऑप्शन नहीं है तो यही कर ले रही हूँ। कुछ ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा था, इस तरीके से मैंने पाव में एक तरफ मेयोनीज और केचप लगा लिया और फिर मैंने ऑमलेट फ्राई करके इस तरीके से रख दिया और जल्दी जल्दी इंस्टेंट दिया इनको, अपने हस्बैंड को भी। रेडी हो गया, मैं भी खाती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, बच्चे को देती हूँ, फिर फ्रेश तो मैं हो गई हूँ। बस जो मैं ड्रेस लेके आई थी सिया ग्रीन कलर के हैं, इसके स्लीव्स लगा के अभी जस्ट मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है, तो मैं फुल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी जस्ट आए हैं और ये ब्लाउज भी कुछ इसमें पफ वगैरह रहते हैं तो वो निकाल के लेके आए हैं। तो अभी शाम का मीन्स की 7:30 हो गए, मीन्स की 7:45, तो अब टाइम बहुत कम है। मैंने भी अभी जस्ट शावर लेके आ गई हूँ और नेल पेंट मैंने मैच हल्का लगा लिया है, तो किक रेडी होती हूँ, बच्चे को रेडी कराऊंगी, तो फिर मतलब गर्मी की वजह से कुछ अगर हो ही तो एक हल्का सा कॉटन में रख रही हूँ। और ये कि ज़ियान का मैंने ये वाला निकाला, अभी इसका स्लीव वगैरह निकालना बाकी है, ये टीम इस प्रिंट का है। और इसके साथ मैं ये टी शर्ट अगर दूँ या तो फिर ये वाला दूँ या तो फिर ये शॉर्ट्स पहनाऊँ, जो भी मतलब अभी ये दोनों पापा के साथ बाहर गए हैं तो तब तक मैं निकाल के रख रही हूँ। तो ये सब ज़ियान की तैयारियाँ हो रही हैं, वो जुनैरा की हो गई, ये तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी स्लीव्स भी लगा के आ गए हैं, तो सो थैंक यू उनको बहुत सारा। और ये इस तरीके से ये स्लीव्स में बहुत मोटा पट्टा पड़ गया है जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, इतना हल्का सा रहना चाहिए था तो प्यारा लगता। खैर कोई बात नहीं, हो गए वार टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो बस रोज़ जुनैरा बांध के जाती हैं, रोज़ एक खो के आती हैं बाहर से, येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, सब खो के आती हैं। और लास्ट अपने ये वाला ग्रे कलर का मैंने निकाला न्यू, देखो ये रहता है कि नहीं। यहाँ पे सॉक्स, पैम्पर्स एंड फ्रॉक एक निकाला हमने, ये फिंगर रिंग और ये चूड़ी मेरे ड्रेस से मैचिंग हो गया, तो अभी हमने ये इसको वेयर कर लिया। हाँ मेरी गुड़िया का चूड़ी तो देखिए, देखिए बेटा आज मम्मा लाई, आज मैंने आपको क्या क्या शॉपिंग किया वो नहीं दिखाई हूँ मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कभी शेयर करूँगी, क्योंकि जुनैरा का जन्म पोनी बनाया है और ये क्लिप्स लगाऊंगी। लो बेटा लगा देती हूँ मम्मा, आइसक्रीम वाला है। और ये क्या है बेटा? स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी। सुनहरा गुड़िया रानी, हाँ कपड़ा तो बहुत प्यारा आपका। रेडी हो गई हूँ, बट ये फाइनली इतने सालों के बाद इस तरीके का हील मैं पहन रही हूँ, हमेशा मेरी सिस्टर लोग पहनती है, लाइक जीना सिफत को ये सब हील पसंद है, पार्टी में वो लोग पहनती है, वैसे तो घर पे उन लोगों को स्लीपर पसंद है, मुझे भी स्लीपर पसंद है, बट आज काफ़ी टाइम के बाद, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं ये हील पहनूंगी, वो भी पार्टी में, क्योंकि मैं पार्टी में जब से मेरे ज़ियान सुनहरा हुए हैं तो मैं जूती पहनती हूँ या तो फिर एकदम स्लीपर, तो आज मैं इसे पहनूंगी, ये मुझे कैसा लगेगा। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं रेडी हो गई हूँ अपने हस्बैंड के कहने पे, इस तरीके से अब बच्चे भी रेडी हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं रात के, तो मैं आपको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सैयद ज़ीबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज़ तो बहुत पहले हुआ था, मॉर्निंग हुआ था, मैंने मार्केट भी आज गई और क्या क्या लाई हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में शेयर करूँगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे मुझे। मैं जब घर आई तो जल्दी जल्दी बहुत सारे काम थे सर पे, मेरे बच्चे भूखे थे तो मैंने उन्हें खिलाया, क्योंकि बच्चे को पापा इतना देर रख लेते वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं साथ में लेके जाती तो मेरे बहुत सारे काम छोटे बड़े हो जाते जो कि ना हो पाते, क्योंकि अब फिर मुझे ड्रेस भी लेना था, ये भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही लाया, व्लॉग में शेयर किया है और फुल मैं इंशाल्लाह अभी दिखा रही हूँ आपको। और ये बहुत अच्छा है, स्लीवलेस थे, इसमें मैंने स्लीव लगाए इस तरीके से, ये भी मेरे हस्बैंड लगवा के आए, मॉर्निंग में ही मैंने दे दिया था उन्हें। चूड़ी मैंने इस तरीके से पहन लिया है, ये फिंगर रिंग हो गए हैं और क्या पता ओवर लग रहे कम लग रहे, बस ये माथा पट्टी थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो बोले अरे यार पहन लो ना पहन लो, तो इसमें भी मैं हेवी हो जाते तो फिर मैंने सोचा कि चलो गोल्ड ले लेती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा सब चीज़ मैच मैरिट के बाद इंसान कुछ तो पहनता है ना। और ये नेकलेस हल्का सा मैंने लिया है क्योंकि इसके हेवी अच्छे लग रहे थे, बट बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जब मुझे भी पता है कि जब आदमी ऊपर मतलब हेवी पहनता है तो नीचे जाहिर सी बात है कि लाइट पहनना चाहिए, बट मुझे सुना सुना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कुछ हल्का सा डाल लिया। वैसे आप लोग भी बताएंगे कि मेरी जो छोटी सी तैयारी थी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ओवर लग रहा है, कम लग रहा है या परफेक्ट लग रहा है, कमेंट के थ्रू लाजमी मुझे बताएं, मैं सबकी कमेंट रीड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी टाइम हो गया है रात के 9 बजने में, 10 से 20 मिनट बाकी है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आएगा जब भी मैं नीचे उतरूँगी और बच्चे को लेकर, और वो अपने मतलब उनके एक फ्रेंड है, उनकी शादी है तो वो दूल्हा जो संवार होता है तो वो उसी में गए हुए हैं, फ्रेश होके नहा धो के अच्छे से तैयार होके वो भी चले गए हैं। मैंने उनका ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मैं खुद ही बच्चे की तैयारी कर रही थी, तो अभी जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी छोटी छोटी क्लिप के जरिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगता है तो लाजमी आप लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल करें, अपने से छोटे को बहुत ज़्यादा प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, अपनी से बड़ी का केयर करें। सो वीडियो में आप बने रहें। तरीके से पिनअप कर लिया, इस तरीके से ऐसे दुपट्टा रख लिया कि देखती हूँ कैसा लगता है, आप भी बताइए कमेंट में। सर पे दुपट्टा रखे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं रेडी हुई थी वही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप फैमिली हो, जाहिर सी बात है मेरी बहन सिस्टर सब देखते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे भी मैं कोशिश करूँगी कि डिनर के टाइम ऐसे सर पे रख लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अगर याद रहती तो हमेशा बोलती थी कि सर पे दुपट्टा रखो, अच्छा नहीं लगता खुला। लेकिन हम लोग इस टाइम पर भी फैशन के लिए अल्लाह माफ़ करने वाला, सच में अल्लाह बहुत अल्लाह माफ़ करे बस, क्योंकि सर पे दुपट्टा अच्छी बात है रखना, बट क्या करें एक ऐसा फैशन ट्रेंड सड़ा जैसा हो गया कि इंसान क्या ही बोलूं, अल्लाह माफ करने वाले हैं। आगे रुक रहा है, ठीक है आगे आइए। आगे अंधेरा बुलेट नहीं। हाँ हम लोग आ गए हैं फिफ्थ फ्लोर, रूम नंबर 5 पे आए हुए अभी। देखो विशान, विशान कुछ बोलना चाहते हो? अरे एलियन के पापा भी आए। ए बाबू दाद ना सुना रहा बेबी। यहाँ पे हम लोगों को वेलकम के बाद जूस दिया गया। उस्मान को मिल गया डब्बा। मिल गया उस्मान, इधर आ, इधर आ, कम 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 बेटा, कम कम बेटा, क्या कर रहा है, कहाँ आया है, चाचू की बराती आया है। इज़ियान इधर आइए, इज़ियान बेबी सुनाला तुम तो नहीं करे, खाओगी बेटा, खोल दे, ओपन कर दे, ये मम्मा कर। मेरी बेबी खा के देखेगी क्या है इसमें, क्या मिला है बाबा, वाह इसमें तो बहुत सारा सामान है, वाह इसमें तो मिठाई भी है, ये भी है, साइका तो कहाँ लेके जा रहे हैं, पापा हैं वहाँ पे, देखो वहाँ पे डीजे है बाबा। नायरा तुम भी देख रही हो, धीरे धीरे उतर रही है, बाप रे बाप, बाप रे बाप, देख ले भाई हो गया, विशाल हो गया, हो गया इतने से काम हो जाएगा, काफी है।
कैमरामैन ही विलन है, टोहर आया बड़का तो अभी नीचे उतर रहा था, नीचे तो उतरा था बाबू, इधर क्या होगा, आ जा बेटी, आ जा जा बेटा, पापा पापा बहुत सारे लड़की है ना, गुड भाई कहाँ थे आप, थे आप कहाँ गए, तब आपको आके बराती कैसा फील हो रहा है, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलिए अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, निकाले लेते तो ना 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 क्या छटो है, ऐसा कपड़ा पहनने का क्या जरूरत है, देखिए यही है। सारी मजाक मस्तियों के बाद ये हो गया डिनर का टाइम, फाइनली हम लोग नीचे फ्लोर पे आए हैं, यहाँ पे मामा बेटा जुनैरा को नीनी आ रही थी क्योंकि रात ज्यादा हो गए थे, अभी खाने का टाइम है। इज़ियान तो कुछ नहीं खाया और जुनैरा को मैंने बोला खा लो कुछ, कुछ भी नहीं खाई, थोड़ा सा नरगिस ख्वाब ली और एकदम से नहीं, यहाँ पे मैं खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल देखा जाए खाना बहुत अच्छे। हमारा वीडियो पसंद आया तो बेकार, चल हो गया, साथ में आइए ना चचा, हो गया हट, साथ में आइए, जलील कर आ गया हूं जी, से जलील कर आ गया, हो गया भाई, हो गया, कितना करेगा पक्का, बस 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 बस, अल्लाह हाफिज, हम चले खाना खाने के लिए, जान हम लोग जा रहे घर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, रात में तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना, ओके ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, चलो हम लोग घर जाएंगे, दोनों बच्चे के साथ घर आ गई आराम से, ज़ियान के पापा वहाँ दूल्हे अपने फ्रेंड के साथ टाइम देंगे क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि आप रुक सकते हो, मेरे रुकने का प्लानिंग था बट नहीं, घर आ रही हूँ और फिर मॉर्निंग में मैं दुल्हन के घर, मतलब आएंगी दुल्हन हमारे मोहल्ले में आएंगी तो मैं देख लूँगी, और अभी मैं फिलहाल घर आ रही हूँ क्योंकि घर आना बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चे के साथ।